मित्रों, क्या आप जानते हैं कि लंका के राजा रावण के वध के पश्चात लंका की संपूर्ण सेना ने श्री राम के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। तब लंका के राज परिवार का एकमात्र जीवित पुरुष रावण के नाना माल्यवान ने उनके सामने घुटने टेक दिए थे और लंका उन्हें सौंप दी थी। फिर भी श्री राम ने लंका का राज्य ठुकरा दिया तथा अपनी पत्नी सीता को लेकर वापस अयोध्या लौट गए। आज हम आपको रावण वध के बाद की घटना के बारे में बताएंगे। मित्रों, आप सभी का धर्म ज्ञान गंगा चैनल में स्वागत है। रावण युद्ध के अंतिम दिन जब भगवान श्री राम ने ब्रह्मास्त्र का संहार करके लंका के राजा रावण को मार गिराया, तब वह श्री राम नाम लेते हुए रथ समेत भूमि पर गिर पड़ा। इसके पश्चात उसका छोटा भाई विभीषण, पत्नियां, प्रजागण इत्यादि प्रलाप करने लगे। भगवान श्री राम उन सभी को समझाने का प्रयास कर रहे थे कि इसी बीच लंका के राज परिवार का एकमात्र जीवित पुरुष माल्यवान लंका के राजा का मुकुट, राजसी तलवार लेकर वहां पहुंचे। रावण के नाना माल्यवान ने श्री राम के सामने आत्मसमर्पण किया तथा रावण की मृत्यु के पश्चात लंका की पराजय स्वीकार की। उन्होंने अब से लंका को अयोध्या के अधीन बताया तथा युद्ध समाप्त करने का अनुरोध किया। इसी के साथ उन्होंने भगवान श्री राम से अनुरोध किया कि अब वे लंका के बचे हुए नरनारी को क्षमा कर दे। उन्होंने कहा कि अब से वे सभी उन्हें लंका का स्वामी स्वीकार करते हैं। ऐसा कहकर उन्होंने श्री राम के सामने घुटने टेक दिए। श्री राम ने सभी के सामने माल्यवान जी का अनुरोध अस्वीकार कर दिया तथा उन्हें बताया कि उन्होंने यह युद्ध लंका पर आधिपत्य स्थापित करने या लंकावासियों को अपने अधीन करने के लिए नहीं लड़ा। उन्होंने तो यह युद्ध पापियों का सर्वनाश करने तथा अपनी पत्नी सीता को रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए लड़ा था। उन्होंने माल्यवान व लंकावासियों को संबोधित करते हुए कहा कि यह भूमि केवल और केवल लंकावासियों की है तथा उस पर अयोध्या का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने सभी को बताया कि उन्होंने यह युद्ध केवल लंका के दुष्ट राजा रावण के पाप तथा अधर्म की नीति को समाप्त करने के लिए लड़ा है और युद्ध से पहले ही वे रावण के छोटे भाई तथा धर्म के ज्ञाता विभीषण को लंका का राजा मान चुके हैं। उन्होंने सभी के सामने घोषणा की कि अब से लंका के नए राजा विभीषण ही होंगे तथा उन पर अयोध्या का कोई अधिकार नहीं होगा। इसी के साथ उन्होंने विभीषण को भाई का कर्तव्य निभाते हुए रावण के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार करने का आदेश दिया। उन्होंने सभी से कहा कि उनके अंतिम संस्कार को पूरे विधिवत तरीके से ही किया जाना चाहिए तथा उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। साथ ही उन्होंने रावण की आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना की तथा विभीषण को वहां का राजा बनाकर अपनी पत्नी सीता, भाई लक्ष्मण तथा अन्य लोगों के साथ अयोध्या लौट गए।